डिजिटल युग में मशहूर हस्तियों के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करना मुश्किल है जिसका वे सम्मान नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि पूर्व सोशल मीडिया युग में लोग इससे दूर हो गए हों, लेकिन आज आप जो सार्वजनिक घोषणाएं करते हैं वे पत्थर में खुदी हुई हैं। नेटिजन सुनिश्चित करते हैं कि आप एक बार सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी बात रखने के बाद अपने वचन पर कायम रहें। और इसलिए जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति किसी वादे से मुकर जाता है तो उसे तुरंत उस पर बुलाया जाता है। हम इससे सहमत हैं। यदि तंबाकू और गुटखा बेचने की कानूनी रूप से अनुमति है, सरकार समान उत्पादों का समर्थन करने के बारे में कुछ भी अवैध या अनैतिक नहीं हो सकता है। अगर सरकार इन उत्पादों से कर एकत्र करती है तो व्यक्तियों को भी अपनी जीविका कमाने का अधिकार है। आखिरकार कई मामलों में सितारे अधिक पैसा कमाते हैं उनकी फिल्मों की तुलना में विज्ञापन से। आप उच्च नैतिक आधार का दावा नहीं कर सकते हैं कि आप कभी भी तंबाकू या गुटखा ब्रांड का समर्थन नहीं करेंगे और फिर बेझिझक ठीक वैसा ही करें। और इसलिए उन तीन मेगास्टारों में से जो सरोगे तंबाकू विज्ञापन का हिस्सा हैं, इलायची की विशेषता शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार, यह अकेला अक्षय था जिसे छड़ी के गलत सिरे को पकड़कर छोड़ दिया गया था। जबकि शाहरुख और अजय ने कभी भी इस बारे में कोई व्यापक सार्वजनिक बयान नहीं दिया कि वे क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। अक्षय इतने कूटनीतिक नहीं रहे हैं और यही कारण है कि तीनों में से अकेला अक्षय खुद को इस संकट के बीच पाता है। हालांकि यहां वो फिर अपनी ही बातों का शिकार हो गया। उद्धरण चिन्ह .. मैंने तंबाकू का समर्थन नहीं किया है और न ही करूंगा। एक उपयुक्त रूप से दंडित अक्षय ने ट्वीट किया जो अभी भी अपने उच्च स्थान को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है।